तब मैं अपना चालान कटवा लेता हूँ। आपके कैमरे में देखा है, क्या हो रखा है? नहीं, वो लेडी गाड़ी का नंबर नहीं बता रही थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्ट्रीट फूड सेंटर। और अभी हम लोग पी रहे हैं चाय। आज है संडे, तो आज दिन में या शाम तक ईशु चला जाएगा अपने वतन। घर वापसी हो रही है ईशु की। और आज मेरा बिल्कुल, मैं बहुत दो तीन दिन से थक गई हूँ काम कर करके घर वाला, तो आज मैंने इन दोनों को बोल दिया है कि आज मैं कुछ नहीं करूंगी, जो भी करोगे तुम करोगे, आज मैं संडे अपना मनाऊंगी। तो अभी ये दोनों मेरे लिए, मतलब सबके लिए ही बनाएंगे ब्रेकफास्ट। लेट्स सी आज ये दोनों क्या प्रिपेयर करते हैं। जो फरमाइश करोगे हम वो बना सकते हैं, वी आर कैपेबल इनफ। तो गाइस, ये देखिए कीशु अभी गूंद रहा है आटा, और दीपक ने आलू चढ़ा दिए हैं और प्याज चॉप कर दिए हैं, और अभी दीपक चटनी बनाएंगे। अच्छा। तो हाँ, और आज मैं करूंगी आराम। ये सब मैंने कब बोला था कि मैं करूंगा? बोला था, कहा था। अच्छा, तो गाइस प्लान तो ये हुआ था कि ब्रेकफास्ट ये दोनों ही बनाएंगे, लेकिन इन दोनों ने इतनी चालू बंदी करी है। इस लड़के ने बोला मैं आटा गूंदूंगा, और इसने बोला मैं आलू चढ़ाऊंगा और फिर चटनी बनाऊंगा, और मेरे ऊपर डाल दिया आलू के पराठे। आलू बना? हाँ। तो फिर एट दी एंड मेरे को आराम क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो ये लोग गेम खेल रहे, मेरा तो पोपट हो गया गाइस। काम तो कर दिया, बेल के भी तो अम्मी देंगे। बेल के तुम दोगे? अच्छा, झूठ तो। बट कोई नहीं, लड़का आज है घर पे लास्ट डे, तो सोचा कि चलो कोई नहीं, इसको आज आलू के पराठे भी खिला दूं। ये देखिए, ऐसा भाई भगवान सबको दे, ऐसा भाई उधर राखी पे गिफ्ट की क्या जरूरत। सो गाइस, देखिए हमारा ये मसाला रेडी है आलू के पराठों के लिए। हमने इसमें धनिया भी डाल दिया ताकि थोड़ा सा इसमें और अच्छा फ्लेवर आ जाए। और ये आटा देखो, और ये आटा देखिए, ये है कीशु ने गूंदा ये आटा, एकदम बढ़िया वाला। क्यों साक्षी? मैंने सोचा था मुझे आज ब्रेकफास्ट मिलेगा, इन लोगों ने घूम फिर के मुझे फंसा दिया। और फंसाया भी आलू के पराठों में। आलू के पराठों में फंसा दिया है हमने। ये देखिए, तो ये लग गया है हमारा ब्रेकफास्ट। लेट्स सी कितने पराठे खा पाते हैं आज। सो गाइस, हमने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने कर लिया है, कीशु भी अभी खा रहा है, और साक्षी ने भी अपना स्टार्ट कर दिया है ब्रेकफास्ट। तो साक्षी, चेक करिए और बताइए कैसी बनी है चटनी, खा के बताइए। मस्त बनी है, चटपटी। हाँ कीशु, चटनी बहुत अच्छा लग रहा है। मोमोज वाली चटनी हमने बना लेते हैं पराठे के साथ। तो अब इनको खाने देते हैं और आपको दोबारा से मिलेंगे ब्रेक के बाद। Hey guys, welcome back to our channel, the Street Food Center. और sorry, बीच का व्लॉग हम नहीं बना पाए ब्रेकफास्ट के बाद का, बिकॉज मेरी थोड़ी सी हो गई थी तबीयत खराब। तो मैं अगर रेस्ट मोड पे होती हूँ फिर तो व्लॉग बनता ही नहीं है, क्योंकि दीपक क्यों शूट करेंगे, दीपक तो नहीं करते शूट, है ना। और इसीलिए मेरे को गुस्सा आ जाता है कि दीपक की आदत नहीं है, दीपक को जब मैं पिंग करती हूँ उसके बाद जरूर कर लेते हैं शूट। एनीवेज, तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं। शूट नहीं करा है आइसक्रीम खाने का? हाँ, कुल्फी बनाई थी मैंने, वो शूट करा है। हाँ। उसके बाद फिर हम मूवी देखने लग गए, और उसके हाँ, बाद मूवी देखने लग गए थे, तैयारी निकलने की। हाँ, और ये रहा कीशु। कीशु कहाँ है तू? अरे, तो कीशु अब जा रहा है अपने वतन वापस। तो कीशु वापस जा रहा है घर, और हम उसे छोड़ने जा रहे हैं, और आज हमारा वही नाइट स्टे का प्लान भी है। तो गाइज, आप भी हमारे साथ रास्ते में क्या हुआ वो हम आपको दिखाते हैं। नहीं मैम, प्रूफ आप प्रूफ गाड़ी ना, का आप नंबर ये तो, बता दीजिए, या तो आप हमें नंबर बता दीजिए तब मैं अपना चालान कटवा लेता हूँ। मैम मैं तो देखिए, आप मेरा टाइम खराब होगा ना, मेरे पास भी तो और भी तो काम है ना, लेकिन मैं तो घर से लगा के आ रहा हूँ, अगर मेरी गलती होती तो मैं खुद ही बोल देता। बैठने से पहले सीट बेल्ट लगा, क्या हो रखा? नहीं मैं
ये देख रही हूँ ना, नंबर बात कर रही हूँ नंबर। हम व्लॉगर हैं, हम लोग करते रहते हैं। तो गाइज ये देखो ट्रैफिक पुलिस वालों का हाल, और इन्होंने कैमरा देखते ही छोड़ दिया हमें। ये लोग ऐसे गेम खेल रहे हैं। मेरी आदत है हमेशा मैं सीट बेल्ट लगा के ही निकलती हूँ, दीपक भी इवन सीट बेल्ट लगा के निकलते हैं, और मैं तो बैठते ही गाड़ी में सीट बेल्ट लगाती हूँ। और ये लोग हमें बोल रहे हैं कि हमने सीट बेल्ट ही नहीं लगाई। मैं तो शॉक्ड हो गई जैसे उन्होंने रोका। फिर दीपक ने बात करी, जिन्होंने भी कंप्लेन वो उनकी इंटरनल जो भी होते हैं उन लोगों से, तो दीपक ने पूछा कि क्या बोलते हैं, किसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। तो उन्होंने बोला कि जो साइड में बैठे हैं उसने नहीं लगाई थी। और बोले दोनों ने नहीं लगाई। हाँ, कंडक्टर ड्राइवर दोनों ने नहीं लगाई। तो फिर मैंने तभी बोला ना कि मैंने कहा एक बार गाड़ी का नंबर पूछना, कहीं कंफ्यूजन हो गई हो भाई, दूसरी गाड़ी के लिए बोल रहे हो। तो वो लेडी गाड़ी का नंबर नहीं बता रही है दीपक को। दीपक ने 10 बार पूछा तो वो नहीं बता रही है, बात गोल गोल घुमा रहे हैं। वो तो जो ट्रैफिक वाला था लगता है वो भी मिले होंगे। तो जब उसने मेरे हाथ में कैमरा देख लिया ना कि मैं शूट कर रही हूँ, और मैंने बोला कि हम लोग व्लॉगर हैं, मैं तो रैंडम शूट कर रही हूँ, आप अपना काम करिए, तो उसने कहा जाइए जाइए। तो ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, और मैं इसको टैग भी करूंगी ट्रैफिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को, इस तरीके से लोगों को पागल बना के चालान लूटा जाता है। जहाँ पे ट्रैफिक की जरूरत होती है, जहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत होती है, वहाँ तो ये अवेलेबल होते नहीं है। जहाँ पर कोई ट्रैफिक लाइट खराब हो जाती है वहाँ पर दो दो तीन तीन घंटे का जाम लग जाता है, वहाँ तो ये लोग अवेलेबल होते नहीं है, है ना। ये कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं और लोगों को पागल बनाते हैं कि बस तुम्हारा चलान ये होगा। हाईकोर्ट मुझे बोली हाईकोर्ट में जाना, मैंने हाँ। मैं क्यों जाऊंगा, तू मुझे ये तू नंबर बता दे भाई, गाड़ी का नंबर बता दे। अगर हमारी गाड़ी का होगा तो ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। और हम लोग सच बोल रहे थे, हमने एक बेल्ट लगा रखी है। ये देखो मैं, मेरी तो आदत है, मैं घर से निकलती हूँ सबसे पहले बेल्ट लगाती हूँ। हम तो इतनी दूर से निकल रहे हैं घर से, या तो हम अभी निकले होते तो भी मुझे डाउट सा होता कि क्या पता ये थोड़ा पीछे से इसने देख लिया हो। तो देखो तभी बोलते हैं कि ये फायदा होता है व्लॉगर होने का, हर चीज को शूट करने का। दुनिया आजकल ऐसी हो गई है कि भैया कैमरे को ऑन रखो, कब कौन बात पलट जाए पता नहीं है जिंदगी का। बहुत गलत बात है, यही हमारे देश का मतलब सबसे एक बोलते हैं ना कि वीक पॉइंट, दुर्भाग्य हमारे देश का यही है कि हम लोगों को चालान के नाम पर लूटा जाता है। 10,000 रुपए इन्होंने चालान कर दिए हैं, उसके लिए चलान ये करते नहीं है। अभी भी 80% चलान नहीं होते। ये सब ब्लैक मनी बनाने का एक जरिया है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर हमारी गलती हुई होती तो ये हमें जाने देते ऐसे? हाँ। और आप भी खुद सोचिए कि अगर आपको इवन छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको ये छोड़ते हैं कभी? ये बड़ा छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते। और जिस हिसाब से मतलब जितना वो कॉन्फिडेंट हो के हमें उसने रोका और बोला कि आप बहस मत करिए, अपनी आप बाहर निकले हैं जो भी है, तो मुझे नहीं लगता कि बस एक कैमरे की झलक देखते कि क्या हो रहा है, और उसने हमें छोड़ दिया। ठीक है, हमने 20 बार पूछा गाड़ी का नंबर बता दो, हमारी गलती है। तो अगर किसी ने पीछे या जो भी आपके कैमरे में देखा है तो किस गाड़ी के नंबर को देखा, मिस्टेक किस गाड़ी के नंबर से हुई है? तो उसने हमें गाड़ी का नंबर नहीं बताया 10 बार पूछने के बाद भी। तो अगर वो इतने ही सही होते या कॉन्फिडेंट होते तो हमें छोड़ देते एक बारी में। तो गाइज आप लोग अलर्ट हो जाओ एकदम, बिल्कुल नहीं डरना। अगर आप सही हो ना तो एकदम लड़ो, ठीक है। हम लोग छोड़ छोड़ करते हैं ना, इसीलिए दुनिया पागल बनाती है।